अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है, जहां उदयपुर से खजुराहो जा रही उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस के इंजन में ग्वालियर के सथौली स्टेशन के पास आग लग गई। लोको पायलट ने ट्रेन को सथौली के पास रोककर कंट्रोल रूम को सूचना दी। आग बुझाने की कोशिश जारी है। इससे पहले नई दिल्ली से हैदराबाद जा रही 12724 तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन में शनिवार सुबह आग लग गई। ट्रेन छिंदवाड़ा के पास पांडुड़ा से 1 किलोमीटर बाद पेंड्री कार से यात्रियों ने धुआं और लपटे उठते देखी। ट्रेन को रोककर यात्री को नीचे उतारा गया, आग बुझाई गई। इसके बाद इसे आगे के लिए रवाना किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस 18 अगस्त की शाम 4 बजे नई दिल्ली से हैदराबाद के लिए चली। भोपाल होते हुए 19 अगस्त की सुबह 10 बजे पांडुड़ा रेलवे स्टेशन से गुजरी थी। पांडुड़ा स्टेशन मास्टर एसके मिश्रा ने बताया कि ट्रेन की पेंड्री कार के चक्के में आग लगी थी। रेलवे ट्रैक के किनारे से गुजर रहे लोगों ने स्टेशन पर फोन कर इसकी जानकारी दी। तत्काल वॉकी टॉकी के जरिए लोको पायलट और गार्ड से बात कर ट्रेन रुकवाई गई। आग ब्रेक जाम होने की वजह से लगी थी। आधे घंटे में आग को बुझाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। ट्रेन का नागपुर पहुंचने का समय सुबह 7:10 का है। पहले दिन की शाम 4 बजे नई दिल्ली से चलकर यह दूसरे दिन की शाम 5 बजे हैदराबाद पहुंचती है। फिलहाल ट्रेन 4 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही है। साइड कर लो, चलाने होंगे तो फिर आगरा कौन है अर्चना भाई साहब, बोल रहे हैं साथ में। अच्छा 1215 के पांच पे आ जाने की, 1215 के पांच पे। हमारा ब्रेक पीछे है, हमारा ब्रेक